धर्मक्रांति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये समय वो है जब 14 अक्टूबर 1956 को लगभग आज से 63 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में एक बड़ा कन्वर्शन किया, जिसे एक बड़ा रिवॉल्यूशन कहा जाता है, एक बड़ी धर्मक्रांति कही जाती है, एक ऐसी क्रांति जो करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई, वो सांस्कृतिक स्तर पर, वो शैक्षिक स्तर पर, वो एक उद्यमिता के भी स्तर पर और विशेष रूप से धार्मिक स्तर पर। लेकिन आपको बताएं कि ये जो घटना घटित हुई 1956 की, इसके बाद भी, क्योंकि वहाँ तक तो बाबा साहब का आंदोलन है, लेकिन उसके बाद इस आंदोलन की स्थिति क्या बनती है, उसके बाद ये सारा बाबा साहब का जो संघर्ष है वो संघर्ष कहाँ पहुँचता है और वो किस चीज़ के लिए है, किस बात के लिए है, किस ध्येय के लिए है, किस उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए है, इन सब चीज़ों का एक मूल्यांकन का ये वक्त है। और इस मूल्यांकन के लिए हमारे साथ हैं देश के नहीं पूरी दुनिया के जाने माने रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर। बड़ा जाना पहचाना नाम है, भारत के AGC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई कमिटियों पर और कई अध्ययन के संस्थानों के साथ उन्होंने अपना रिसर्च भी रखा है और वो रिसर्च अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, अनमोल होता है। आज आपके पास जिस विषय पर हम लोग ये चर्चा लेकर आए हैं वो चर्चा है कास्टिज्म एंड बुद्धिज्म। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कास्टिज्म को, जिस प्रॉब्लम को हजारों सालों से हमारा देश झेल रहा है, उससे तड़प रहा है, उससे पीड़ाएं हो रही है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस इज़म से, मतलब कास्टिज्म से प्रभावित है, इसे बुद्धिज्म कुछ एड्रेस करता भी है या नहीं, या फिर इसके एनिहिलेशन के लिए, इसके उच्चाटन के लिए, इसके निर्मूलन के लिए बुद्धिज्म यानी कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएँ क्या कुछ काम आ सकती है और हम अपने भारत को एक बेहतर भारत बनाने में कितनी मदद कर सकते हैं। तो हम सीधे जोड़ते हैं आपसे प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। बात यहाँ से शुरू करते हैं जी, कि ये 63 साल का वक्त बीत चुका है, अभी 64वां वर्धापन दिन भी आ रहा है। धम्म दीक्षा नागपुर में हुई, नाग नगरी कहा जाता है, एक बड़ी धम्म क्रांति कहा जाता है, और वो डाउन स्टूडेंट्स जिनके लिए बाबा साहब ने उनको टारगेटेड मानकर एक बड़े आंदोलन की भी शुरुआत की, उन्होंने उनके महाड़ के आंदोलन से लेकर या फिर उससे पहले भी उनका जितना अध्ययन चलता रहा, लेकिन कास्ट ये जो फैक्टर उनके पास रहा, ये फैक्टर उनके पास बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। लेकिन जब बुद्धिज़्म की ओर लेकर आए तो वो जीवन जीने की एक अलग तरह की शैली को भी लेकर आया। आप कैसा समझते हैं कि जिस विषय पर आप बरसों से काम कर रहे हैं, मतलब जातीयता में उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, उसका राजनीतिक स्तर कैसा है, और इन सब के बीच में इनके सांस्कृतिक संबंध कैसे डेवलप होते हैं, इन सब चीज़ों पर आप बड़ा काम करते रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कास्टिज्म और बुद्धिज़्म, इन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया जा सकता है? नहीं, कास्टिज्म और बुद्धिज़्म का जो संबंध है जी, उसके बारे में तो चर्चा बिल्कुल ही हो सकती है, उसमें कोई शंका नहीं है। किस दृष्टि में की जाए ये चर्चा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को इसी शहर में धम्म परिवर्तन किया जी, तो उसके अदर और रीज़न के अलावा जो धार्मिक तत्वज्ञान होता है, धार्मिक जो मूल्य दिए जाते हैं, उसके अलावा जो सामाजिक मूल्य बुद्धिज्म में है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो भी बहुत जब महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया है, वो ये है कि बुद्धिज्म और जो सामाजिक समता है उसका कनेक्शन, अच्छा मतलब जिसको हम सोशल इक्वालिटी कहें, सोशल इक्वालिटी कहते हैं, उसका संबंध है। और चूँकि जातीयता का सिस्टम और अनटचेबिलिटी, ये असमानता इनइक्वालिटी पे आधारित है, बेस्ड है, इसलिए बुद्धिज़्म ने उसको विरोध किया और बुद्धिज़्म ने वो समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें समानता हो। तो उसके वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने और कारणों के अलावा
बुद्धिज्म चूंकि जाति व्यवस्था को विरोध करता है, समानता की बात करता है, बात ही नहीं करता है तो उसमें उसको एक्शन में लाता है, इसलिए उन्होंने कन्वर्जन किया है। लेकिन मेरा मेरा कहने का ये भी एक मतलब है कि जो आपने सवाल पूछा वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बुद्धिज्म और विचारधाराएं जी, जी जब बुद्धिज्म उभरा तब कौन सी विचारधाराएं थी और उस विचारधारा को बुद्धिज्म ने कैसा जवाब दिया? मतलब जहाँ से तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है वहाँ उस वक्त की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति जो बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उस वक्त थोड़ी ब्रीफ में ये समझना ज़रूरी है कि जब जी 6th century BC में भगवान बुद्ध आए तो आगे चल के मान लीजिए 20-30 साल तक तो उनका घर में रहे, उसके बाद आए, तो उस वक्त जो विचारधाराएं बनी हुई थी समाज में हमारे भारतीय समाज में, भारतीय समाज में, तो वो 2-3 विचारधाराएं थी, लेकिन प्रमुख सामान्य रूप से एक तो वैदिक ब्राह्मणिज्म था, जिसको वैदिज्म भी कहते हैं, वैदिक ब्राह्मणिज्म भी कहते हैं, और दूसरा जो है कि श्रमणिज्म भी था, जो श्रमणिज्म वैदिक ब्राह्मणिज्म के एक तरह विरोध में था, सारे जो मूल्य है वैदिक ब्राह्मणिज्म के। तो बाबा भगवान बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणिज्म के जो विचार थे धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जी, समानता के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत, उसके विरोध में जाके अपनी विचारसरणी दी। वो उसके इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सिर्फ ब्रीफ में ये कहे कि वैदिक ब्राह्मणिज्म की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर थी, वर्ण के आधार पर थी। उस वक्त 4 वर्ण थे, 5वां वर्ण बाद में आया, वो जिसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें उनके अधिकार जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कल्चरली अधिकार समान थे। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो निचला तबका था शुद्ध और बाद में अनटचेबल, उनको कोई अधिकार नहीं, ना आर्थिक है, ना सामाजिक है, ना कल्चरल है, और साथ साथ उनकी डिसेबिलिटीज भी है, उनको उनके सेटलमेंट जो है सेग्रीगेटेड है, आइसोलेटेड सोशल लाइफ है, रिलेशंस नहीं है, और जैसे दूसरे अधिकार जो है वो भी अधिकार नहीं है, तो उनकी स्थिति लगभग एक स्लेव की तरह थी। ये समाज व्यवस्था भगवान बुद्ध जब सामने आए तब उन्होंने वो देखी, तो इसके इसके विपरीत, इनके विरोध में जाके उन्होंने अपने विचार दिए। मतलब ये इस बात को ऐसा समझे कि ये जो वर्णा सिस्टम है, इस वर्णा सिस्टम से इतर भी, ये जो अवर्णा सिस्टम है जिसमें आप अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तथागत के प्रादुर्भाव के समय भी ये स्थिति थी? बिल्कुल थी, उसके बाद तो कंसोलिडेट हुई है, तभी तो जाके उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। तभी भी ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल वर्ड बाद में आया, लेकिन अनटचेबल क्लासेस भी थे, वो सीधा सीधा समाज में, वो मतलब जो वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, जिसको अति शूद्र कहिए या फिर अवर्णास कहिए, नहीं अवर्णा नहीं पंचमास कहिए, तो ये उन्होंने देखा, वो भी खुद अपने एक जात में उनका ये हुआ था। लेकिन जब 29 साल जब पोजीशन लेने की बात आई, जब विचार देने की बात आई, तो और विचारों के अलावा, धार्मिक विचारों के अलावा, उन्होंने स्पष्ट रूप से भूमिका ली कि नहीं, समाज जो है वो समानता के बेसिस पे होना चाहिए और सबको समान अधिकार है और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो पोजीशन उन्होंने खुले आम वैदिक सामाजिक व्यवस्था जो जाति पर आधारित थी उसके खिलाफ थी। अच्छा, वो ये समझने की बात बहुत ज़रूरी है कि जी, सामाजिक व्यवस्था की बात करना और उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, इसमें अंतर है। लेकिन उन्होंने ये किया कि वो विचार को प्रचारित भी नहीं किया, प्रचार किया लेकिन साथ साथ उसको एक्शन में भी लाए जितना हो सके। समाज में यदि जाति व्यवस्था है तो सब तो चीज़ उनको उस वक्त जो संभव हुआ, हाँ, जैसे लेकिन बुद्धिस्ट भिक्खु संघ ले लीजिए, तो वैदिज्म में जाति व्यवस्था में तो अधिक शिक्षण के अधिकार और धार्मिक किताबें पढ़ने के अधिकार और धार्मिक रिचुअल जो भी है वैदिज्म में, वो सिर्फ ब्राह्मीण और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत क्षत्रिय को थे। शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पनिशमेंट थी। तो इन्होंने तो पहली बात ये कि अपने बुद्धिस्ट संघ में सब जाति के लोगों को लाए, शूद्र भी लाए, नाई भी लाया, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वैदिज्म में जो महिलाओं को अधिकार नहीं थे, शिक्षा के और धर्म के नैतिक अधिकार जो थे, महिलाओं का संघ बनाया। मतलब ये जो समानता आधारित समाज रचना है, जो प्रिंसिपली नहीं दिया लेकिन उसमें प्रैक्टिस में भी लाया, जिसमें उनको बहुत अड़चने आई, विरोध भी हुआ, आप इस समाज के इस तरह के लोगों को क्यों लेते हो।
लोअर कास्ट के महिलाओं को और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, आपको मालूम जी, उनको यदि अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी किया, जो क्या नाम है उनका, जो अंगुलीमाल। तो ये जो है, इस ये जो प्रिंसिपल देना, उनको एक्सिस में लाना, जिससे परिवर्तन आता है समाज में। तुम एक्चुअल परिवर्तन ला रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, परिवर्तन ला रहे हो। जिसको वो मौका नहीं, संधि नहीं, वो भी आपने दी है। इससे बाबा साहब काफ़ी प्रभावित हुए। मेरा काले बुद्धा ने धमा पढ़ी है जी, तो ये जो समता का संदेश और उसकी प्रैक्टिस है, इस पर फोकस भी करते हैं बाबा साहब। नहीं, वो सेक्शन है, ये कन्वर्जन ऑफ लोली, या देखिए अलग से सेक्शन दे दिया बाबा साहब ने, कि भगवान बुद्ध ने कैसे जो लो स्टेटस के लोग हैं वो सबको कन्वर्जन दिया है, प्रैक्टिस में इक्वालिटी लाई है। तो ये बहुत बड़ा बाबा साहब को लेसन था। इसलिए बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना, उन विचारों को एक्सेप्ट करना जो विचार समता के है, और उसमें प्रैक्टिस में ला के एक प्रदर्शन भी किया है भगवान बुद्ध ने। लेकिन इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि तथागत बुद्धा तो इसे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, कास्ट सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को वो अटैक भी करते हैं, और फिर नए सिरे से एक समानतावादी कल्चर का निर्माण भी करते हैं। हम देखते हैं कि सम्राट अशोका तक क्या ये प्रैक्टिसिंग होती रही? बिल्कुल होती रही। अशोका का पीरियड जो मेरा ख्याल है 230 BC के आसपास है, वो तो एक तरीके से एक्सटेंशन ही था। जो बुद्धा का पीरियड, वो तो ग्लोरियस पीरियड है, बुद्धा का, और उसके बाद अशोका का पीरियड जो है वो 2/3 के करीब करीब इंडिया वो कवर किया था अशोका ने। तो अशोका के जो भी शिलालेख है, जो भी है, वो तो समता के बेसिस के ऊपर थे, और वो उसका प्रसार भी हुआ, बहुत बड़ा एरिया कवर भी हुआ। और उन्होंने खुद जेंडर इक्वेलिटी की बात करें तो अपनी लड़की को खुद उन्होंने श्रीलंका भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं कहा कि तुम लड़की हो, भिखुड़ी बनाकर भेजे गए, मतलब एक गृहस्थ नहीं थी वो, भिखुड़ी। जेंडर इक्वेलिटी, कास्ट इक्वेलिटी, इंटरपर्सनल इनइक्वेलिटी, ये सारी बातें उन्होंने प्रैक्टिस में लाई। और उनके जो ये है शिलालेख से जिसमें लिखा आदेश दिए जाते थे, वो सब उसमें इक्वेलिटी के खिलाफ है, जातिता के खिलाफ है। तो अशोका का पीरियड भी ये एक्सटेंशन है बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना, लेकिन कन्वर्ट प्रैक्टिस में लाना। तो उस वक्त हम लोग कास्टिज्म को कमज़ोर देखते हैं, बहुत कमज़ोर हुई, जो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और धार्मिक रूढ़ियों को तो उसमें कमज़ोर पड़ आ गया है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। लेकिन आप समता का इशू ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गए। अब ये मानना ज़रूरी है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी है नहीं, कुछ स्टडीज़ है, कम स्टडीज़ है, हिस्टोरिकल है, एंशियंट इंडिया का पीरियड है। लेकिन जो भी है उससे ये साफ पता लगता है कि दो बातें हुई है। एक कि तात्विक आधार पर जातिता को कोई सपोर्ट नहीं था, राजा की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, बल्कि समता होनी चाहिए और प्रैक्टिस में समता लानी चाहिए, ये विचारधारा तो तेज़ी से प्रोपगेट हुई, और साथ में उसको प्रैक्टिस में भी लाना पड़ा। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि जाति व्यवस्था गढ़ी हुई थी, जमी हुई थी, तो जाति व्यवस्था को तोड़ के, धीरे धीरे तोड़ के नए समाज की जो बिल्डिंग है वो बनाना है, वो कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी ये नहीं कह सकते, वो थी, लेकिन उसको ना तो वैचारिक आधार था, वो थोड़ा शैडो में थी। शैडो में नहीं, मतलब परिवर्तन सिलेक्ट भी होता है ना, कुछ कुछ हिस्सों में होता है। महिलाओं को अपनी इक्वेलिटी दी, लो कास्ट को दी है, अपॉर्चुनिटीज दी है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। लेकिन जो हजारों सालों से जातीयता जो घट बन के बनी थी कंसोलिडेट होके, तो उसको तो धक्के तो दिए वैचारिक और प्रैक्टिस में, लेकिन वो थी। क्या सम्राट अशोका के बाद इस चीज़ को कोई प्रैक्टिस नहीं किया फिर, या फिर राजाओं का अपनी मंशा बदल गई? नहीं, सम्राट अशोका के बाद तो फिर उल्टी दिशा में प्रवाह शुरू हो गया। जो बाबा साहेब ने लिखा हुआ है कि जो इतिहास का अध्ययन उन्होंने किया है कि ये सारे मौर्य किंग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया, समता की बात थी, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की। तो इन मौर्य किंग के खिलाफ जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस थे, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के फोर्सेस, मैं ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जो है, वैदिक ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजी है, इनको बहुत दुख पहुँचा, क्योंकि जो सारे प्रिविलेजेस थे ब्राह्मण के जी,
वो ख़त्म हो चुकी, स्टेट सपोर्ट ख़त्म हो चुका, प्राइम मिनिस्टर जो मटेरियल गेन थे, प्रिविलेजेस थे, वो ख़त्म बहुत रिड्यूस हो गए। फिर आइडियोलॉजी के खिलाफ भी बात हुई, समता के विरोध में बात हुई, तो ये सारा प्रिविलेजेस लूज होने की वजह से ये काउंटर रिएक्शन पैदा हो गई। तो एक इंसिडेंट हुआ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया कि लास्ट मौर्य किंग था उसको मारा गया, और इट वॉज टेकन ओवर जो उसका जर्नल ने मारा गया, पुरुष मुक्त सिंह जिसने उसको मारा और किंग बने, वो थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के किंग थे। तो आए ये लगभग समझ लीजिए 200 बिफोर क्राइस्ट की बात है ये, और वो आए और उन्होंने फिर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का रिवाइवल किया जिसको बाबा साहेब काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं। वो उसी पीरियड में फिर क्योंकि ब्राह्मणिकल, और फिर वो स्टेट के प्रोटेक्शन में आगे बढ़ा, कस्टिज्म स्टेट राजा थे, राजा की राजा, राजा ने फरमान निकाले, अश्वमेघ जो होता था सैक्रिफाइस घोड़े का जी, वो बंद किया था सारा, बिल्कुल नॉन वायलेंस तो प्रिंसिपल था ही, अशोक ने नॉन वायलेंस प्रिंसिपल को चलाया बुद्धा जी, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग के बेसिस के ऊपर। तो ये जो सारा सैक्रिफाइसेस होता था, एनिमल सैक्रिफाइस विद जब रिचुअल्स होते थे, वो सारा बंद हो गए और फीस बंद हो गई। तो उन्होंने शुरू कर दिया पहला यज्ञ किया, और उसके बाद एनिमल सैक्रिफाइस शुरू हो गया। तो ये सारे जो प्रिविलेज गए थे वो सारे प्रिविलेज दोबारा लाए, और उसके बाद फिर बुद्धिज्म पे अटैक हुआ वेरियस फॉर्म में। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि हाई कास्ट के प्रिविलेज जाने की वजह से उसको रीइंस्टेट करना कायदे में इन लॉ, तो मनुस्मृति लिखने को कहा गया। मनुस्मृति जो बाबा साहेब के कहने से ये है कि जब पुरुष मित्र सुंग आ गया उसके कोई कुछ ही साल बाद साइमेंटेनियसली ये सारा कोडिफिकेशन किया गया मनुष्य लॉ, जिसमें आप देखेंगे कि कास्ट को बिल्कुल लीगल फॉर्म में पहली बार बांधा गया, कायदे की फॉर्म में बांधा गया, जिसमें सारी कास्ट सिस्टम ये है प्रिविलेजेस तो उससे पहले वो मौखिक प्रैक्टिस में था, हाँ वैचारिक था लेकिन यहाँ उससे कानूनी स्वरूप दे दिया, क्योंकि अशोका के पीरियड में पूरा वो इरोड हुआ था, कम हुआ था, बुद्धा के पीरियड में हुआ था, तो सारा रीबिल्ड करना था, तो रीबिल्ड बातों से नहीं होगा, तो कायदा बनाया गया, और यहाँ एक राजा भी था जो कायदा इम्प्लीमेंट करेगा। तो मनुस्मृति का पीरियड भी है वो वही है। तो बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति लिखने ऐसी नहीं लिखी गई, वो मनुस्मृति ऑन द एडवाइस ऑफ द किंग, ब्राह्मणिकल किंग, वो मनुस्मृति लिखी गई, ये उनका विचार है। पीरियड लगभग सारे लोग वही मानते हैं। और फिर आप मनुस्मृति देखेंगे, इट इज़ ए बुक विच सोशल सिस्टम को उस तरह से, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल कायदे में कानून में भी फिट करता है, और सारे अधिकार फिर वहाँ है। वहाँ आपको मालूम है कि शूद्रा और पंचमास की स्थिति क्या है, अतिशूद्रा की क्या है। तो री एस्टेब्लिश की गई कास्ट सिस्टम मनुस्मृति, ये ध्यान में रखना, चली आ रही थी काफ़ी देर से, लेकिन री एस्टेब्लिश की गई और लीगल बना दिया, और वो कायदा फिर स्टेट ने मानना चाहिए, राजा ने मानना चाहिए। तो उसमें मॉरेलिटी और लीगलिटी वो सारी इकट्ठा हो गई। असमानता का प्रिंसिपल ही है ना कि प्रैक्टिस करो, लेकिन यहाँ मनुस्मृति ने यह कहे कि असमानता तो है लेकिन कायदे में उसको बांधो कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे वायलेट करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, और राजा जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो दी कास्ट सिस्टम बिकेम लीगल इंस्टीट्यूशंस बिसाइड बीइंग ए मॉरल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये तो ये जी तो ये चलते रहा फिर आगे, और फिर उसका एक हिस्सा भी आपको समझ में चाहिए कि बुद्धिज्म को डिक्लाइन किया गया, फिर बुद्धिज्म का स्टेट सपोर्ट निकल गया, वायलेंस भी काफ़ी हुआ बुद्धिस्ट मॉन्ग के खिलाफ, बुद्धिस्ट सोसाइटी के खिलाफ। बाबा साहेब की एक आर्टिकल है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, तो उसमें मुस्लिम इन्वेडर का भी रोल है, वो बात अलग है, लेकिन मेजर रोल जो है ब्राह्मणिज्म का है, जिससे बुद्धिज्म 12th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था बुद्धिज्म। तो जो विचारधारा समता के फेवर में थी वो ख़त्म हो गई। सर एक बात इसमें मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि कल्चरली तो बुद्धिज़्म का प्रैक्टिसिंग उस वक्त भी रहा होगा उसको, लेकिन कास्ट सिस्टम के प्रैक्टिस को करते करते ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है बुद्धिज़्म की ये कैसे बदलती चली गई फिर? नहीं, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस? मतलब ये जो कास्टिज़्म का प्रैक्टिस हो रहा है और बुद्धिस्ट कल्चरल प्रैक्टिस रही होगी उसको तो नहीं, वो भी कल्चरल थी लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ तो लीगल अशोका ने लीगल आधार तो थोड़ा बहुत दिया होगा ना, तो उसको मिक्सअप किया गया? नहीं, उसको मिक्सअप नहीं किया गया, उसको तो जब पुरुष मित्र सुंग आ गए ब्राह्मणिकल
रेमनिज्म वादी विचारसरणी के राजा जब आ गए उसी वक्त मनुस्मृति लिखी गई और जातीयता इस व्यवस्था को लीगल व्यवस्था बना दिया गया और लोगों को बताया गया कि ये कायदा है और कायदा स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा तो वो शुरू हो गया। और आइडियोलॉजिकल लेवल में फिर देर वॉज ए अपोजिशन टू बुद्धिज्म, असॉल्ट भी हुए, वायलेंस भी हुआ, लेकिन कास्ट सिस्टम को लीगल बनाने की वजह से वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते रहे। और वो इम्प्लीमेंट इसलिए भी होते रहे कि लॉ जब होता है वो आप वायलेट करते हो तो आप पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट के डर से आप जो है कायदा फॉलो करते हो। तो यहाँ आपने कास्ट सिस्टम बनाई और उसको वायलेट करने के लिए पनिशमेंट दी तो लोग फॉलो करते। तो फिर अब इस वक्त जब हम देखते हैं कि भारत का संविधान आता है तो क्या कास्ट सिस्टम के प्रैक्टिसिंग का वो जो कानून है ये उसी को डिस्ट्रॉय करके आता है जो इक्वालिटी के बेस पर खड़ा होता है? नहीं, वो ठीक है, वो जो आप कह रहे सही है, लेकिन ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि ब्रिटिश ने भी कुछ कायदे लाए जो इक्वालिटी के थे। ये टेम्पल एंटी एक्ट था, और पब्लिक प्लेसेस में द अनटचेबल को एक्सेस होना चाहिए, ये जो एक्ट था, जैसे महाराष्ट्र में लीजिए बोले रेजोल्यूशन एक्ट था ना, बोले रेजोल्यूशन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पास हुआ, उसमें क्या था कि सारे पब्लिक प्लेसेस पे भी अनटचेबल जो है उनको एक्सेस होगा। उसी के प्रोटेक्शन के तहत महा का सत्याग्रह, नासिक का सत्याग्रह बाबा साहेब 1930 में किया, ठीक है ना। तो टेम्पल एंट्री एक्ट, एक्सेस टू पब्लिक एमिनिटीज़ के जो एक्ट बड़ौदा में हुए, बड़ौदा सरकार ने किए, यून ब्रिटिश इंडिया का वो जो सभी को सार्वजनिक तालाब ऊपर पानी लेने वाला एक्ट, शाहू महाराज ने जो किए, जी जी, उधर फिर साउथ में हो गया, तमिलनाडु में हो गया। तो इंडिविजुअल ये प्रोविंसेज जो थे ना, प्रेसिडेंसीज थी, इसमें कायदे पास हुए थे, मतलब कुछ जगह में ये काम शुरू हो गया था। बिल्कुल शुरू हो गया था, वो ब्रिटिश की वजह से हुआ था। ये एजुकेशन ओपन हो गया था, मिलिट्री ओपन हो गई थी तब, तो ये शुरुआत तो हुई थी। और फिर जब 1920 वगैरह आ गई तो उसके पहले फुले जी की मूवमेंट थी, अपने भक्ति पोएट जो थे नामदेव, तुकाराम, चोखाबा, ये जिन्होंने भी वो मूवमेंट चलाई, चोखाबा ने चलाई, लेकिन बाबा साहेब का मेजर असॉल्ट है कास्टिज्म के ऊपर जो उन्होंने मूवमेंट चलाई। बाबा साहेब का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि कास्ट सिस्टम क्यों है इसका एनालिसिस किया, उसके रूट्स ढूंढे और फिर उसके ऊपर उन्होंने मूवमेंट बिल्डअप। ये जो मैं थोड़ा सा समझ लूँ कि जैसे 1916 में जो बाबा साहब ने इस पर कास्ट एंड इट्स मैकेनिज्म एंड रेमिडीज, ये जो उनका निबंध था जो उन्होंने कोलंबिया के लिए पढ़ा था, क्या उसी का रिफ्लेक्शन देखते हैं हम उनके आंदोलन में? बिल्कुल सही है, वो ये था ना कि बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका में पहुँचे और उनको तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करनी थी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन वो एडिशनल कोर्सेज भी ले सकते थे, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स ले लिया, तो उसमें सिर्फ सेमिनार देना था। तो उन्होंने वो सेमिनार का जो पेपर लिखा वो थियरी ऑफ कास्ट लिखा, क्योंकि उनके अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे, स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, समाज को ऑब्जर्व किया था तब तक, तो उनको कास्ट का इशू समझ में आया कि भाई दलितों की स्थिति, अनटचेबल की स्थिति कास्ट की वजह से ख़राब है। तो वहाँ उन्होंने वो टॉपिक लिया कि कास्ट की ओरिजिन कैसे हुई और उसका स्प्रेड कैसे हुआ, तो वो तो उनके बिल्कुल दिमाग में था, ये सवाल ही नहीं। वहाँ से जब लंदन आए तो दूसरा उन्होंने बर्टन रसेल की किताब थी सोशल रिकंस्ट्रक्शन, देखो एकदम उनको आया कि भाई ये सोशल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करे, तो उसका रिव्यू किया बट हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट। हाँ, तो बर्टन रसेल को मिले भी वो। तो जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद तो उनके दिमाग में सारा कुछ था, स्ट्रेटजी भी बन गई थी। तो 1919 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन आया और उसको जो डेलीगेशन उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया उसमें सारी बातें हैं कि भाई कास्ट क्या है, कास्ट की वजह से अनटचेबल की स्थिति क्यों खराब है और क्या करना चाहिए, फोर सूत्री कार्यक्रम पे दिया उन्होंने वहाँ पे, इक्वल राइट, सेफ गार्ड अगेंस्ट इक्वल राइट, और फिर रिजर्व पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब एंड एजुकेशन, प्रोग्राम बना दिया उन्होंने। तब तक उनकी क्लैरिटी बिल्कुल आ गई थी। और ये समझ लीजिएगा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये जो सारा काम उन्होंने 19 में किया, फिर 30 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 35 एक्ट बना, 35 एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही थी, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। फिर उसके पहले वाली फुले की मूवमेंट और हमारी भक्ति को लोगों की जो मूवमेंट, ये सारा जो धन था समता के फेवर में, इसमें जो वो पले और उन्होंने खुद आगे बढ़ा, वो सारा लेके वो कॉन्स्टिट्यूशन में गए। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा उतारा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि इक्वेलिटी को पहले लाया उन्होंने, प्रीएम्बल में तो है ही है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, लेकिन फंडामेंटल राइट में उन्होंने इक्वेलिटी को आधार बनाया,
कि नो बडी एवरीबडी इज इक्वल, लेकिन उसको सब्सटेंशिएट भी किया है, ऐसा नहीं कि इक्वल इक्वलिटी हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्होंने उसको दोबारा रिस्टेट करिए कि दिया नो बडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन सेक्स रेस एंड लैंग्वेज लैंग्वेज सारा, तो वो मोबिलिटी ये सारा उन्होंने पक्का मान लिया। और सबसे बड़ी बात है कि अनटचेबिलिटी को बैन किया, तो वो फंडामेंटल राइट में प्रोविजन है, अनटचेबिलिटी को बैन किया और उसके अगेंस्ट में लीगल सेफगार्ड होनी चाहिए, ये भी वहाँ उसमें लिखा। और फिर जाके 1954 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी बनाया था, वो थे क्योंकि उनका इंटरवेंशन है वो एक्ट बनाने में जी। और दूसरा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, प्रोविजन है वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो इन्फोर्सेबल नहीं कोर्ट में, लेकिन ये एक डायरेक्शन देती है स्टेट को कि उन्होंने इस तरह की नीति बनानी चाहिए जिससे इक्वल स्टेटस सबको मिले, गरीबी कम हो, वेलबींग बढ़े, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लाया। वो लाना चाह रहे थे सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया है, तो ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट दे के उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो बाबा साहेब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में समता के हिस्से को लाने के लिए, समता देने के लिए, मतलब इक्वालिटी कैसे आया हमारे पूरे देश की जनजीवन में जी। लेकिन इस बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मतलब जहाँ आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसको लागू किया, उस पर काम करना शुरू किया, तो कैसा देखते हैं कि आपका अपना भी बहुत एक बड़ा स्टडी रहा है, और जब से हम भी देखते हैं कि डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को हम जहाँ से जानते हैं, आपका शुरू समय से भी अब तक का एक बड़ा वास्ट स्टडी है पॉलिटिकल बेस पर, कल्चरल बेस पर, रिलीजियस बेस पर, फिर उसके सोशल स्टेटस पर, उसके इकोनॉमिकल स्टेटस पर, लेकिन इसमें कास्ट फैक्टर जो है वो हमारी पूरे सोसाइटी को कैसे प्रभावित करता है फिर, क्योंकि हमारे पास कानून तो है, कानून नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, या आप अपने भाषणों में बार बार कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, पॉलिटिक्स में लाई, जॉब में लाई, एजुकेशन में लाई, तो उनकी मटेरियल डेवलपमेंट हो, सत्ता में उनको सेव हो कि वो बोले, इसलिए पॉलिटिक्स रिजर्वेशन लाया। ये थे सॉल्यूशन, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस करते हैं, इसलिए उनको इक्वल स्टेटस मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये भी किया है कि भाई अनटचेबिलिटी के और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रूट्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है और क्या करना चाहिए। तो वो जो था किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें सारा एनालिसिस है। रेमेडी जो इस स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में 1946 में, जहाँ हमारा दलित वर्ग जो पढ़ता नहीं उसको थोड़ा सा बायपास किया हुआ है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ को, जितनी तवज्जो जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बट यानी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने एनालिसिस किया और ये कहा, जो मेन मेजर मैसेज जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किया वो ये है कि भाई कास्ट को एनिहिलेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की ज़रूरत है, इंटर डाइनिंग की है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। लेकिन उनका ये कहना था कि लोग इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करते, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों प्रैक्टिस करते। इसकी वजह यह है कि जिन मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के आधार पे उनका जीवन तय होता है जी, वो जो नैतिक मूल्य है वो असमानता को सपोर्ट करने वाले हैं। जो हिंदू शास्त्र में वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, हिंदू शास्त्र से जो टीचिंग आती है, क्योंकि हिंदू शास्त्र में सामाजिक व्यवस्था कास्ट पे आधार वो असमानता वो बेस्ड है, तो हिंदुओं का जो लाइफ है वो असमान प्रिंसिपल से गवर्न होता है। तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा, लोगों को क्यों आप बदनाम कर रहे हो, लोगों को दोष मत दो, जिन नैतिक मूल्यों के आधार पे उनका जीवन घटित होता है या जीवन या फिर वो जी रहे हैं, हाँ, तो वो मूल्यों के ऊपर आप हल्ला करो। वो हल्ला जो है वो शास्त्र में वो मूल्य दिए हैं, इसीलिए उन्होंने कन्वर्जन की बात की कि रिलीजियस शास्त्र जो जाति को फेवर करते हैं उन शास्त्र के ऊपर आपने क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसको उस शास्त्र को आपने उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसको नकारना चाहिए। जब तक आप नैतिक मूल्य जो असमानता को सपोर्ट करते हैं उसको नहीं बदलोगे, तो फिर तो आपने ऊपर वाली जो ट्रीटमेंट होती है डॉक्टर की ऊपर वाली हो कि वो, उन्होंने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज तो सोल्यूशन अच्छी है क्योंकि इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड होता है तो बंधुभाव बढ़ता है,
लेकिन व्हाई डू पीपल डू नॉट इंटर मैरी अक्रॉस द कास्ट? उसका रीज़न है कि भाई शास्त्रा में वो टीचिंग है, तो आप सिम्टम को मत ट्रीट करो, आप जो बेसिक सोर्स है उसको ट्रीट करो, तो वो वहाँ सोल्यूशन दी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने और सोल्यूशन नहीं दी, और सोल्यूशन दी है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में उन्होंने सेफ गार्ड अगेंस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है, तो उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जॉब रिजर्वेशन है, एजुकेशन है, सेपरेट सेटलमेंट है दलितों के लिए, मतलब जितना भी अफर्मेटिव एक्शंस हैं वो सोल्यूशन दी है उन्होंने उसमें क्योंकि धर्म के आधार के ऊपर जो जीवन हाई कास्ट बिताता है और कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करता है उसको चेंज करने में सालों साल लगेंगे, टाइम लगता है उसमें विचारधारा मूल्य बदलने में, लेकिन उसका जो असर था कि ओनरशिप नहीं है, इलिटरेसी तो है, वो तो उसको पहले ले लो, उसके लिए भी पॉलिसी बना दो आप। तो उन्होंने वो पॉलिसी वो बनाई सेफ गार्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जो जिस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आप सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हो वो डिस्क्रिमिनेशन का मूल आधार जो है उसको भी तो आपने कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए कास्ट मूवमेंट हो, उन धर्म की वो प्रोविजन को विरोध करे जिसमें जाती है ताकि टीचिंग है, और फाइनली उनको लगा कि भाई आप ऐसे धार्मिक विचारों को ले लो जो समता के ऊपर आधारित है। तो जो आपने सवाल ये पूछा है जिसमें से दो सवाल निकल आते हैं, ये है कि भाई कितना परिवर्तन हुआ और हुआ कितना हुआ, और जो हुआ नहीं बहुत ज़्यादा तो क्यों नहीं हुआ, इसका एनालिसिस आज हमें करना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि महाराष्ट्र के लेके हम कुछ बातचीत करें तो ऐसा है कि बहुत कम स्टडीज हुई है महाराष्ट्र में कि जाति आधार पे जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो ज़्यादातर गांव में होता है, शहरों में भी है लेकिन शहरों की तो स्टडी हुई नहीं है। तो गांवों में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर थोड़ी बहुत स्टडी है, उसके आधार के ऊपर हम कुछ बातें कह सकते हैं जी। वो ये है कि मैंने सारी जो स्टडी अनटचेबिलिटी इन प्रैक्टिस गाँवों में जो होती है उसका रिव्यू किया। अच्छा, हमारा ये सभी सेक्टर में है, सभी सेक्ट का मतलब कल्चरल पॉलिटिकल वो सारा सोशल, उसमें कल्चर भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, सोशल भी आता है, लेकिन जो स्टडीज़ की गई वो इस तरह से की गई कि आपका 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया जी, उसमें कुछ एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि इसकी सामाजिक आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में दलितों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनटचेबल के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने उसी एरिया को लिया। अच्छा। कि भाई इसमें मंदिर में एंट्री दी है तो मंदिर में एंट्री हुई है क्या, पब्लिक वेल में यदि एंट्री दी है तो उसमें हुई है क्या, तो उन्होंने वही स्पीयर किए और सवाल पूछे और देखा कि जो एक्ट में प्रोविजन है वो अनटचेबल जो एंजॉय कर पा रहा है नहीं। और बाद में 89 मेट्रो सिटी एक्ट आया तो उसमें और स्पीयर बढ़ गए, 27 स्पीयर आ गए, इसमें तो 8-10 थे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में, 27 बन गए उसमें, और अब तो जाके 2015 में मेट्रो सिटी एक्ट को जो अमेंडेड किया उसमें तो 37 स्पीयर है बिहेवियर ऑफ हाई कास्ट, 37 बिहेवियर हाई कास्ट विच आर कंसिडर्ड टू बी एट्रोसियस अगेंस्ट द लॉ। तो पहली स्टडी हुई वाई में, एक ही गाँव की। अच्छा। तीन विलेजेस ऐसे हुए थे 59 में, 55 में एक्ट आया, 59 में स्टडी। हाँ, उसके बाद जो है 60s में गोखले इंस्टीट्यूट ने की 1960 में, फिर गोखले इंस्टीट्यूट और हरिजन सेवक संघ ने 1971 में की, फिर 81 में एक स्टडी हुई, फिर 91 में जो एक एसेंडेटी यूनिवर्सिटी है उनका सोशल वर्क कॉलेज है उन्होंने स्टडी की 91 में, उसके बाद एक्शन एड ने 2000 में की। तो ये सारे प्राइमरी डेटा बेस्ड स्टडीज़ है जिन्होंने गांवों में जाके कुछ सैंपल दिया। तो आखिरी की स्टडी जो है वो बहुत वाइड स्प्रेड थी, सारा महाराष्ट्र कवर कर रही थी, पहली जो स्टडी थी वेस्टर्न महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में थी। या अब इसमें ऐसा है कि उन्होंने जो किया है उसको यदि समराइज करना है और चेंज वोर देखना है तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो मेरे सब जो मैं पकड़ पाया लेकिन आपने जो पकड़ पाया है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी जी। उसमें से दो तीन बातें बड़ी सामने आ जाती, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एरिया है सोशल रिलेशनशिप के बिटवीन हाई कास्ट एंड अनटचेबल इन द विलेजेस जो कायदे में उनको अलाउ किया गया कि ये करो, ये आप कर सकते हो, आपको उतना ही अधिकार है, और यदि नहीं करने दिया तो उसके ऊपर एक्शन हो सकती है,
तो उसमें हमें ये पाया जाता है कि कुछ स्फीयर है जैसे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कम है। अच्छा अनटचेबल को, शेड्यूल कास्ट को कहिए, अब आप पूरा एक्सेस है, कोई ज़्यादा उसमें भेदभाव है नहीं। आप पोस्ट ऑफिस में चले गए, आप पुलिस स्टेशन चले गए, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर चले गए, यदि आपकी जात मालूम नहीं है तो कुछ कुछ स्पेयर ऐसे हैं कि जहाँ अनटचेबल को किस तरह का भेदभाव करने एक्सपीरियंस होता नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, जाहिर थोड़ा हो लेकिन जाता जैसा है। कि आपने कहा रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा है, हाँ तो ये रूरल की वहाँ बात हो रही है, अर्बन की नहीं। अर्बन के बारे में आपको बताऊंगा मैं, अर्बन पे भी स्टडी हुई है, वो मेरी इंस्टीट्यूट ने की है, वो ज़्यादातर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी है। लेकिन अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चेंज महाराष्ट्र में आया अनटचेबिलिटी में, उसके तीन मुद्दे हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे स्पेयर हैं जहाँ आपको इक्वल एक्सेस मिल गया है, भेदभाव होता नहीं, थोड़ा बहुत होता होगा तो होता होगा। दूसरे एरिया जैसे हैं बहुत सारे जहाँ आपको एक्सेस मिल गया कायदे के हिसाब से, लेकिन डिफरेंशियल एक्सेस है, मिल तो रहा है लेकिन आपको ये एहसास दे के कहा जा रहा है कि आप अनटचेबल हो, जरा थोड़ा सा इस तरह से आप लो। अब जैसे कुएं पे पानी भरने जा रहे हैं तो पानी तो दिया जा रहा है क्योंकि वो सरकारी टैप है, ना नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आप आखिरी में ले लो, वहाँ खड़े रहो, फिर बाद में ले लो, पहले वे ले लेंगे फिर बाद पहले में हम आप। ले लेंगे, या फिर आ जाओ मैं आपको पानी देता हूँ, आप टच अच्छा मत करिए नल को, या नल को टच करके आपने पानी लिया तो नल को प्यूरिफाई किया। तो इस तरह से आपको एक्सेस मिल गया है लेकिन विद ए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, आपका अवमान करके, आपको अच्छा ह्यूमिलेट करके, भेदभाव करके, तो एक्सेस थोड़ा सा सब जगह इम्प्रूव हो गया। पंचायत में अब सब सरपंच पंचायत मेंबर है शेड्यूल कास्ट का, आओ भाई बैठो, लेकिन यार आप नीचे बैठो या चेयर पे बैठो, ठीक है कोई बात नहीं, आपको चाय दिया जाएगा तो अलग से आपको कप बसी रखी हुई है, या नहीं रखी हुई है सबके लिए है, तो जब आप पी पियोगे तो पियो पीने के बाद आपने धोना है। तो आपको ट्रीटमेंट तो इक्वल दी जा रही है लेकिन विद ए डिफरेंशियल डिफरेंसेस, तो हुमिलेट तो हो ही रहे वो। ऐसे बहुत सारे स्पीयर हैं जहाँ ये हो रहा मतलब ये जताया जा रहा है। जताया जा रहा है। तो ये परिवर्तन एकदम से व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है, ये प्रोसेस है अच्छा कि कई जगह तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, कई जगह एक्सेस है और डिस्क्रिमिनेशन है, कई स्पीयर ऐसे हैं आपको अभी भी एंट्री नहीं है। कुछ एरियाज में आप मराठवाड़ा में चले जाइए, टेम्पल में एंट्री नहीं है, नल पे एंट्री नहीं है, आपके अलग नाम है, तो कुछ एरिया वाइज वेरिएशंस भी है। दूसरा दूसरा आपको ये देखा जाता है जी कि प्राइवेट स्पेयर में चेंज बहुत कम है। अच्छा वो प्राइवेट स्पेयर ये है कि आपको खाने पे नहीं बुलाया जाएगा, आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, सोशल लाइफ में नहीं है, रिलीजियस लाइफ में नहीं है। तो प्राइवेट स्पीयर जहाँ कायदे का इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ कोई कायदा नहीं है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको खाने के लिए बुलाऊँ या मेरे घर में आने के लिए बुलाऊँ, घर में ट्रीटमेंट कैसे करूँ वगैरह, तो उसमें परिवर्तन कम आया है। क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि वहाँ मेरे घर में जो मेरी बिहेवियर है वो तो धार्मिक जो पुराने रीति रिवाज है और विचार है उससे चलती है, तो वहाँ मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ लेकिन नल पे नहीं कर सकता, वहाँ कायदे का बंधन है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल परिवर्तन आपको दिख रहा है कि समानता भी आई हुई है लेकिन समानता कायम भी है और कुछ क्षेत्र में तो बाकी है। तो पूरा समानता आ गई है ये तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर ये है कि रीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, कुछ एरिया में ज़्यादा है कुछ एरिया में नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो सब आप कह रहे हैं सर कि इस कुछ क्षेत्र में ये बदलाव दिखता है, कुछ क्षेत्र में ये नहीं है, ये बहुत तेज़ी से आएगा भी नहीं क्योंकि एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन आपकी अपनी स्टडी क्या लगती है, क्योंकि जहां आपने कहा कि जहां कानून का दबाव है, कानून का प्रेशर है, वहां तो ये दिखता है कि है, उसमें बदलाव हो गया, उसमें अंतर है। लेकिन जहां कानून नहीं है, जहां प्राइवेट प्रैक्टिसिंग है, तो वहां ये नहीं दिखता। इसके पीछे क्या रीज़न कैसे मानते हैं आप? नहीं, उसके पीछे रीज़न वही है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब वही जो आपकी जो आपकी जो जो मूल्यों बिहेव की आपकी हाँ बिल्कुल सही, जो मूल्यों की बात है। हाँ जो आपकी बिहेवियर है वो सोशल मूल्य से, सोशल रूल से तय हो रही है। आपको धर्म ये बता रहा है कि आप किस तरह से अनटचेबल के साथ बिहेव करें, ठीक है ना, वो मूल्य है, वो तत्व है, विचार है जो धर्म ने दिए हुए हैं। उसमें यदि बदलाव नहीं तो आपकी बिहेवियर में भी नहीं आएगा। तो इसे क्या क्या कहा जाए कि मतलब इसको अगर बाबा उपचार साहेब की दृष्टि में ने अगर कहा जाए तो बाबा साहेब ने जो कहा जी
इंग्लिश में है वो, एक्शन ऑफ द पीपल आर द आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल दैट दे बिलीव इन. या आउटकम ऑफ द पीपल इज द उनका जिन तत्वों पर विश्वास है. हाँ, उसका उसका आउटकम जो किस पे है कि किस नैतिक मूल्यों में आप विश्वास कर रहे हैं. अब नैतिक मूल्य आप जाति के इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी भी आपके दिमाग में हैं तो आप वही करोगे. अच्छा, जहाँ कायदा आपको अलाउ नहीं करता वहाँ थोड़ा करोगे, और जहाँ कायदा आपको इंटरफेयर नहीं करता प्राइवेट स्पीयर में वहाँ अपनी मर्जी से करोगे फुल. तो जो धार्मिक विचार है, मूल्य है, टीचिंग है, वही जड़ है डिस्क्रिमिनेशन की. तो फिर इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें स्टेट भी क्या कर लेगा? स्टेट तो उतना जितना कर रहा है कायदे के हिसाब से उतना कर रहा है. कानून में जितना हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट उसमें आ गया बाद में, तो उसमें ये है कि भाई कोई विरोध कर रहा है तो उसको उसमें भी उसकी पनिशमेंट होगी. कुछ कुछ जो बिहेवियर थी हाई कास्ट की वो अनटेंजिबिलिटी ऑफेंस एक्ट पे नहीं कवर हो रही थी, तो वो देखा उन्होंने 30 साल तक. तो 89-90 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया, क्योंकि उसमें ऐसा था, एट्रोसिटी एक्ट बनाने का और एक कारण था कि जब अनटचेबल्स अपना राइट लेने जाते थे जी, कुएं में पानी हो, मैं टेम्पल में एंट्री हो, रास्ते पे चलना हो, जो पब्लिक है, तो विरोध होता था. अच्छा, पहले विरोध जो था वो डेमोक्रेटिक विरोध था, ज़्यादा से ज़्यादा बोल चाल थी, गाली थी, अरे क्यों आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों बैठ रहे हो. लेकिन बाद में ये हो गया कि वो वायलेंट फॉर्म लेने लगी. अच्छा, कि जब आ रहे तो झापड़ मार दी, और फॉर्म ले लिया, उसका मास अटैक हो गया, घर जला दिया. ये जो वायलेंट मीन्स इस्तेमाल किए जा रहे विरोध करने के लिए, बजाय कि डेमोक्रेटिक मीन्स. आप बोल भी सकते हो कि नहीं भैया, कायदा हो, कुछ भी हो, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे. ये भी बोल सकते हो, नहीं वो नहीं करोगे आप फिजिकली असॉल्ट करोगे, गाली दोगे, और फिर वहाँ भी नहीं रुकोगे तो घर जलाओगे, दलित बस्ती जलाओगे, मर्डर भी करोगे. ये जो वायलेंट रिएक्शन आती थी, अपोजिशन आता था, एट्रोसिटी होती थी, इसलिए वो एक्ट आ गए उसको रोकने के लिए कि किस तरह से आप विरोध कर रहे हो. तो उसको चेकअप करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट आया. तो इसका मतलब ये है ना कि जाति की जो व्यवस्था है वो इतनी कठिन और इतनी घट और इतनी जमीन, जैसे बाबा साहब इसको बहुत जटिल कहते हैं, तो वो है, तो वो चल रही है अभी. तो गांवों का जो मैंने एक थोड़ा सा एक नज़ारा आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसे हम शहरों की ओर लाए तो शहरों की ओर लाए तो शहरों में दूसरा है. शहरों में ऐसा है कि गांव में क्या है कि बस्ती मालूम है, दलितों की कोसी है, और दलित कौन है ये मालूम है, अनटचेबल कौन है ये मालूम है, वह मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सालों साल आप रह रहे हो. शहरों में यह है कि ना तो आपको सेटलमेंट मालूम है, आपके बगल में कौन रह रहा है ये मालूम नहीं है, और ना उसकी जाति मालूम है. और यहाँ अमेरिका जैसा तो नहीं ना, वाइट और ब्लैक ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कलर सभी के शरीक है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जाति को ना तो कलर का आधार है, ना ऑक्यूपेशन का आधार है, उसको तो धर्म का आधार है, धार्मिक विचारों का आधार है, तो पता ही नहीं चलता. लेकिन हिंदू सोसाइटी में ये इतना पक्का असर है कि जब तक आपको इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से ये ना मालूम हो कि ये कौन से जाति का है, तब तक मैं सोशल रिलेशन डेवलप नहीं करता. फॉर्मल रिलेशन जो है मेरे चल रहे हैं, हाय हेलो, ऑफिस में बैठे हैं तो काम चल रहा है, लेकिन 8 दिन में आप पता मालूम कर लेंगे कि भाई इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इसकी जाति क्या है, उसके बेसिस के ऊपर ये तय होगा कि मैं रिलेशन क्या रहूँ. ये आपके स्टडी में है? ये तो सब स्टडी में पाया गया. इंटरकास्ट मैरिज में भी है कि इंटरकास्ट मैरिज को ये थोड़ी देखता है कि सीधा किसी को जाकर कुछ कहे, नहीं, कास्ट बैकग्राउंड मालूम कर लेता है शहर में, तभी शादी होती है. न्यूज़पेपर में आता है कि भाई ये जाति के साथ ये हम चाहते हैं कि कोई रिस्पॉन्ड करे. तो शहर में भी जाती है तो है, बिल्कुल है, लेकिन अदृश्य फॉर्म में है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत तेज़ है वो. लेकिन दूसरे सबसे बड़ी बात ये है कि ये सामाजिक क्षेत्र में तो हमें मालूम है, इंटरपर्सनल रिलेशन कम है, आना जाना कम है, बैठना उठना कम है, शादी बहुत कम है. बाकी सोशल रिलेशन जो चलते हैं वो चलते हैं, बस में बैठ रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, सिनेमा थिएटर में बैठे हुए हो, वहाँ कोई पूछेगा नहीं आपके बगल में कौन है. जहाँ शहरी व्यवस्था आपको अलाउ नहीं करेगी, वो इसलिए टूट रहा है कि शहरी व्यवस्था आपको स्कोप ही नहीं देती जात मालूम होने की, वो कुछ करने की. अब सिनेमा की सीट तो आप किसी को जात पूछ के तो नहीं ले सकते हो, या रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ये थोड़ी कह सकती भाई आपका दूसरा कस्टमर होगा वो इस जाति के हाथों में बैठे हुए. तो शहर ने क्या किया हुआ है कि तोड़ दिया उसको जबरदस्ती, आदमी की इच्छा होने के बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता.
लेकिन जहां उसको स्कोप है वहां करता है। मैं किसी को घर में खाने के लिए बुलाऊं ये तो तय कर सकता हूँ ना जात मालूम करके, मैं किसी के साथ शादी करूँ ये भी तय कर सकता हूँ मालूम करके। तो आपको क्या, आपको क्या लगता है सर कि ये जो पूरी इंटायर स्थिति जो है जो आपकी स्टडीज़ में आती है कि लोग अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ कर सकते हैं वहाँ फोर्सफुली करते हैं? हाँ, नहीं फोर्सफुली नहीं, उसके बीच फोर्सफुली करने के नहीं, वॉलंटरली करते हैं। अच्छा, अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि जातिता विश्वास करते हैं। नहीं, लेकिन जब जहाँ ये वॉलेंट हो जाते हैं वहाँ वहाँ तो इसको फोर्सफुली कहा जाएगा? नहीं नहीं, वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करते हैं, फोर्सफुली हाँ फोर्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो तो गांव की बात बता रहा हूँ मैं, शहरों में भी आइसोलेटेड एग्जाम्पल। नहीं तो फिर इसमें सिविल सोसाइटीज़ इस इनक्वालिटी को, जो कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी है, इसको अनहेलेट करने में कैसे वो रोल निभा सकती है अपना? सिविल सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी के सवाल का जवाब देने के पहले एक मुद्दा जो मैं बताने जा रहा था आपको शहरों का, वो ये है कि शहरों में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उभर के आया। अच्छा, जो गांव में भी होता है लेकिन गांव में डायरेक्टली होता है, उसका भी बेस कास्ट है? कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट है तो आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो जाति के आधार पर दोगे, ठीक है ना? कैजुअल लेबर घर का स्टक कर रहा हूँ वहाँ नहीं पूछूंगा मैं जात, लेकिन मेरे घर में खाना कौन बनाएगा उसमें जात आएगी। मैं एम्प्लॉयमेंट मेरे फैक्ट्री में किसको दूंगा, मेरे रेस्टोरेंट में किसको दूंगा, उसमें जात आएगी, पूछ के आएगी। मैं किससे परचेस करूँ, किसको सेल करूँ, परचेस करूँ, ये भी आएगा। मेरे जाति के मालिक आदमी का दुकान है तो वहीं जाके ग्रोसरी लाऊंगा मैं, मतलब शॉप के ऊपर ये भी डिसाइड करेगा कि उसके शॉप में कौन सर्वेंट होगा। वो बिल्कुल, स्पेशली रेस्टोरेंट में यही होता है। रेस्टोरेंट नहीं दिया आपने शुरू किया तो भैया मैं रोटी खाना सर्व करने के लिए अनटचेबल को नहीं लूँगा, बर्तन मारने के लिए ले सकता हूँ। तो ये जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन शहरों में आपको पाया जाता है, गाँव में भी है। गाँव में यदि आप ग्रोसरी किराने की दुकान है उसमें आय कास्ट का नहीं आएगा, वो अपनी दुकान में चले जाएगा, बहुत ही जरूरत पड़ी तो पैक मटेरियल ले सकता है। तो शेड्यूल कास्ट का जो किराने की दुकान वाला मालिक है उसके कस्टमर जो है वो अपनी जाति के। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नई बात है जो स्टडी नहीं की थी पहले, बाबा साहब ने तो कही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। और इसके बारे में कायदा उतना सख्ती से नहीं है। अब आजकल स्कूल की बात आ रही है एजुकेशन की, आपको पता है स्कूल का हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों का। पहले ऐसे लगा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइमरी हेल्थ में आ रही है। प्राइमरी हेल्थ में वो जो आशा इंजेक्शन देती है या घर में जाना होता है तो डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जीवन के सभी फॉर्म में है, सभी क्षेत्र में है, लेकिन उसकी स्टडी नहीं हो रही तो मालूम नहीं है, जब हो रही तो मालूम हो रही है। तो फिर इसमें दोनों का रोल बनता है, इसमें स्टेट का भी रोल बनता है, सिविल सोसाइटी का भी रोल बनता है। हाँ, तो ये आपने, आपके जो सवाल आपने पहले पूछा था कि स्टेट, तो स्टेट ने अपना एक रोल कर लिया, वो एक लोग रोल कर लिया कि कायदा पास कर दिए कि डिस्क्रिमिनेशन करना गुनाह है और यदि करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी। तो स्टेट को लगा कि भाई इससे जातीयता जो है दूर हो जाएगी। दूसरा उसका, उनका स्टेट ने कहा कि भाई आपको डिनाई किया जाता है एजुकेशन में, जॉब में, इसमें, तो हम रिजर्वेशन पॉलिसी लेता है जो बाबा साहब ने मांगी थी। तो आपको इक्वल एक्सेस दिया जा रहा है, 16% मिलिट्री पॉलिटिक्स में दिया जा रहा है, जॉब में दिया जा रहा है, एजुकेशन में दिया जा रहा है, पब्लिक हाउसिंग में दिया जा रहा है। तो स्टेट उस दो एरिया में कर रहा है, लेकिन स्टेट जहाँ कर नहीं रहा और कर रहा है तो बहुत कंजूसी से कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, वो ये है कि कास्ट सिस्टम के जो वैल्यूज़ है असमानता के, भेदभाव के, उसके खिलाफ समानता के वैल्यूज प्रोपगेट करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए ये स्टेट ने करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए। सिविल सोसाइटी क्यों करें, सिविल सोसाइटी करेगी उसके बारे में बोलूंगा मैं, लेकिन स्टेट ने भी ये करना चाहिए डिपार्टमेंट के थ्रू कि कास्ट के खिलाफ, जो कास्ट की मूल्य है उसके खिलाफ समाज में प्रोपोगेशन, सेंसिटिविटी, ये सारा कुछ बढ़ाना चाहिए। और एक समानतावादी जो तत्व ज्ञान, हाँ, है वो कैसे प्रचारित हो, लोगों में कैसे प्रैक्टिस में आए, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल, और लोगों के सामने सवाल रेज करें। आपको क्या लगता है इसके क्या जरिए हो सकते हैं? हमने जो ये एक एसोसिएशन बनाई है ना, एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसके लिए जो प्रोग्राम निकाला है उसमें एक दो सजेशन मैंने दी हुई है, वो आपके साथ एक बता दूंगा जी। हमने वो सजेशन किए कि भाई गाँव में सरपंच है तो एक आपने सेक्रेटरी दिया उसको, फिर गाँव में आशा दे दी जो हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है महिलाओं को। तो हमने ये सजेस्ट किया कि भाई अनटचेबिलिटी भी तो उतना ही गंभीर समस्या है,
जितनी हेल्थ की, तो आप 10 गांव के लिए या 5 गांव के लिए एक ह्यूमन राइट सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट नहीं करते? एक ह्यूमन राइट सेक्रेटरी अपॉइंट करो, उसको ये कहो कि भैया देखो ये एंटी इंटचेबिलिटी एक्ट, एंटी इंटचेबिलिटी एक्ट, और ये जो है दूसरा सर था लोग से वो हाँ वो इधर वाला खींचो, इधर वाला, इधर वाला, आवाज नहीं करना, लीजिए सर। तो उसको ह्यूमन राइट सेक्रेटरी को 10 गांव में वो ये देखे कि वह किसी की गांव में अनटचेबिलिटी ना हो कायदे के अनुसार, या कि देखे अच्छा लोगों से बात करे प्यार से, सरपंच को गए, मेंबर को गए कि देखो भाई ये कायदा है, ये पब्लिक प्लेसेस है, इसमें शेड्यूल कास्ट को एंट्री होनी चाहिए फ्री, अपने घर में आप बुलाएंगे नहीं वो आपकी मर्जी, लेकिन जहाँ कायदे ने किया हुआ वो करो, प्यार से करो, चेंज आएगा। सरपंच को कहेंगे कि देखो भैया यदि आप ये करोगे तो अगले साल आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं। तो ये कि एजुकेशन कास्ट के खिलाफ करने के लिए एक सेक्रेटरी आप अपॉइंट क्यों नहीं करते? दूसरा ये है जो वॉच करेगा, वॉच करेगा। दूसरा ये है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो वेल इन एडवांस स्टेप ले, एट्रोसिटी होने के पहले। मान लीजिए एक लड़का लड़की है, भिन्न जाति के है जी, उसमें रिलेशन आ गए, वो शादी करना चाहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है, तो जाके दोनों को समझाए, लड़की को भी समझाए, बच्चे को भी समझाए, घर वाले को भी समझाए कि भैया ये है, ये पॉसिबल है क्या? वो कहते नहीं है, तो उनको समझाए कि आप प्यार से भी इसको निपट लो, इसमें हल वायलेंस नहीं होना चाहिए। जब खून तक जाता है बच्चों का खून या बेटी का खून, तो ये एट्रोसिटी रोकने के लिए वो सेक्रेटरी काम करता है। मतलब ये अनटचेबिलिटी का इसको इतना गंभीर होने के बावजूद भी सरकार उसमें कुछ कर नहीं रहा। तो हमने एक सजेशन की है कि एक सेक्रेटरी हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गांव में हो कि धीरे धीरे अनटचेबिलिटी फ्री उस गांव को करें। अब हाँ, अब आप ये है ओपन डेफिकेशन मुक्त गांव कर रहे हो, तो भैया अनटचेबिलिटी मुक्त भी गांव करने के लिए सेक्रेटरी ये भी हो कि भाई अनटचेबिलिटी मुक्त गांव है ये, या अस्पृश्यता मुक्त गांव, बिल्कुल ठीक है। वो भी है, थोड़ा बहुत इंसेंटिव देते हैं, लेकिन मैन पावर कोई है नहीं, सेक्रेटरी नहीं है अलग से, 10 गांव के लिए दे दो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये का प्रोग्राम बना रहे। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कर सकते हो, शिविर ले लो, गांव के लोगों को बुलाइए कि जातिता क्या है, कैसी घटना के खिलाफ है, अच्छी बात नहीं है, बंधुभाव होना चाहिए, पॉम्पलेट बांटो, वीडियो दिखाओ, फिल्म दिखाओ, तो लोगों में धीरे धीरे परिवर्तन आए, बच्चों में परिवर्तन आए, जागरूकता भी आएगी, जागरूकता आएगी। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म थ्रू स्टेट एक्शन, जो स्टेट नहीं कर रहा, स्टेट को कहा कि हमने रिजर्वेशन दे दिया, एक्ट पास कर दिया, हो जाए। अरे भैया रूट तो उसके और कहीं है, आदमियों के मूल्य में है, दिमाग में है, उसको कैसे बदलोगे आप? मतलब ये इन रूट्स को बदलने पर काम होना चाहिए, और ये स्टेट को करना होगा, बिल्कुल करना होगा। दूसरा जरिया जो है वो एजुकेशन है। देखो प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में 99% लड़का जाता है जी, 6 साल होने के बाद, बिल्कुल उसमें कोई ड्रॉप आउट हो गए 58-56 मिडिल में, हायर सेकेंडरी में, तो फिर बहुत बड़ी हमारी जनता ये एजुकेशन के चैनल के थ्रू पास ऑन होती है, जो लेबोरेटरी है, तो उसको वहाँ पकड़ो ना। तो आपने आप एजुकेशन का एक कोर्स होना चाहिए जिस कोर्स में समाज की बुराइयों के बारे में उनको बताएं। कि ये समाज में जातीयता है, समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में ये असमानता है, समाज में गरीबी है, ये सारे जो बुराइयाँ समाज में उनको बताओ, उनको कहो कि स्टेट क्या कर रहा है, और उनको सेंसिटाइज करो ताकि उनके विचार उस समस्याओं के खिलाफ होंगे, एक नया सिटीजन बनेगा जो सपोर्टिव होगा। अभी तो है नहीं, अभी तो उसको घर में जो मिलता है और समाज में जो मिलता है वो तो जातीयता है, और स्कूल में आता है तो स्कूल में भी प्रैक्टिस हो जाती है, मिड डे मील में शेड्यूल कास्ट अलग बैठ रहे हैं, क्योंकि वो समाज के बच्चे को जो विचार जो फिर वो खुद भी वैसे ही तैयार होता चला जाता है, घर में जो मिल रहा है वो स्कूल में इंप्लीमेंट करता है, मतलब उसी उसी का प्रतिबिंब उसको जब वहाँ मिल रहा है तो वो समझ लेता है कि यही व्यवस्था, यही व्यवस्था है। लेकिन स्कूल में आप एक कोर्स के थ्रू उसको बता दो कि भैया ये चीज़ हमारे समाज में गलत है, तो उसमें चेंज आएगा, घर जाके सवाल भी पूछेगा अपने पेरेंट को, तो एक नया सिटीजन आप क्रिएट करोगे विच हु विल बी इन फेवर ऑफ इक्वालिटी जेंडर कास्ट, और उसमें एक भावना भी क्रिएट कीजिए आप कि वो भी कुछ करें। ये अमेरिका में हो रहा है, हायर एजुकेशन कोर्स है एक जिसमें सारा रेसिज्म, सेक्सिज्म,
कैलोरिज्म, ये सारे उनके पावर्टी इनइक्वालिटी सारे पढ़ाते हैं बच्चों को, और पढ़ाने के साथ साथ और एक काम करते हैं, उसको असाइनमेंट भी देते हैं कि आप ब्लैक लोकेलिटी में जाके आओ कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं। अच्छा, तो उसको इसको एक्टिविज्म कहते हैं, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। तो बच्चा दोनों सीख भी रहा है और प्रैक्टिस में जाके देख रहा है, तो वो बदलेगा ना, और उसका अपना भी ऑब्जर्वेशन बन जाता है, ये एक्सपीरियंस। ये सोशल चेंज है जो सरकार कर सकती है एजुकेशन के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हुई सरकार की जी, लेकिन सिविल सोसाइटी अपने आप कुछ कर सकती है, समाज जो है जी वो अपने लेवल पर कर सकता है। और बाबा साहेब की मूवमेंट तो सिविल सोसाइटी की थी, समाज की थी। महाड़ में जो है अपने लोग गए, बिल्कुल, नासिक में जो है वो अनटचेबल चरुकास गए और लड़ाई की। नहीं, लेकिन ये जो काम है ये तो सब अनटचेबिलिटी के जो शिकार कम्युनिटीज हैं ये उनकी तरफ से हो रहा है, लेकिन जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ से भी कुछ अगर ये काम होता है तो शायद ये बदलाव आएगा? नहीं, वो बात आपने सही कही है, लेकिन क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो विक्टिम्स तो इसके खिलाफ खड़े होंगे, ये ठीक है। हाँ, तो विक्टिम तो हुए हैं, विक्टिम तो हुई, बाबा साहेब की मूवमेंट चलते हुए है, अभी भी चल रहा है। एट्रोसिटी की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ होता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं जी। खैर लाइन भी हुआ तो लोग इकट्ठा हो गए, बॉम्बे में हुए, यहाँ हुए, प्रोटेस्ट हुआ, तो समाज में ये थोड़ा बहुत होते रहता है। लेकिन जितने ऑर्गेनाइज तरीके से एंटी कास्ट मूवमेंट दलितों में होनी चाहिए, उतने ऑर्गेनाइज तरीके से है नहीं। एक दो ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा सा अपना काम करती है, या जॉब डिस्क्रिमिनेशन में है, कास्ट एंड ट्राइब है, और है हर एक ऑफिस में एक SC/ST एम्प्लॉयज़ है, तो वो अपने लेवल पे करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के स्तर पर काम करते काम करते हैं। लेकिन ये कॉम्प्रेंसिव और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र नहीं आती है महाराष्ट्र। आपको लगता है इसकी ज़रूरत होनी चाहिए? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिविल सोसाइटी जो समाज है वो इकट्ठा आके डिफरेंट डिफरेंट इशू पे उन्होंने काम करना चाहिए। और अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटी एक एरिया है जहाँ सब ने तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्या आपको ये भी लगता है कि वो कम्युनिटी जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करती है, क्या उनके साथ कोई डायलॉग्स भी होने चाहिए, मतलब जो सोशल डायलॉग्स होते हैं? डायलॉग्स तो उनके साथ होने चाहिए, लेकिन उसके पहले आपने जो सवाल रेज किया है कि उन्होंने भी तो एंटी कास्ट मूवमेंट चलानी चाहिए, कास्ट के खिलाफ, हाई कास्ट ने, वही तो उसके रिस्पॉन्सिबल है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें उन्होंने तो पुढ़ाकर इनिशिएटिव लेना चाहिए ना जी। जैसे अमेरिका में वाइट ज्वाइन कर गए मार्टिन लूथर किंग को, बाबा साहेब के साथ भी हाईकास्ट ब्राह्मीण थे, ऐसा नहीं कि ब्राह्मीण साथ थे नहीं, जिसने मनुस्मृति के पन्ने ये करके जलाए वो सहस्त्रबुद्धि थे। तो वो भी ट्रेडिशन है कि हाईकास्ट ये रियलाइज करता है कि हमने क्रिएट किया है और इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। फूले अनटचेबल नहीं थे, ठीक है, फिर भी उनको अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया, स्कूल चलाई, नामदेव तुकाराम ये जो है इन्होंने बोले कास्ट सिस्टम के खिलाफ। तो हमारे महाराष्ट्र में तो बड़ी स्ट्रांग ट्रेडिशन है कि नॉन दलित में या नॉन शेड्यूल कास्ट में एंटी कास्ट स्ट्रगल की बहुत बड़ी लिटरेरी ट्रेडिशन भी है और स्ट्रगल भी। शाहू महाराज ने जो कायदे किए, बड़ौदा के राजा ने, गायकवाड़ साहब ने जो कायदे किए वो है। तो ये एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट, नॉन शेड्यूल कास्ट की मूवमेंट कास्ट के खिलाफ आई हुई है। गाडगे महाराज, तुकड़ोजी महाराज, क्या ये क्या तरीके से वर्तमान में तो ये खत्म है, वर्तमान में खत्म मोमेंट कोई है ही नहीं, बल्कि उसके विरोध में कुछ ट्रेंड आ रहा है अभी। कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है, और स्वाभिमान आ रहा है हर एक कास्ट का, कास्ट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थे आज, और वो भी कम्युनल सेंसेशन के साथ आ रहा है। कम्युनल तो इंटर रिलीजियस हो सकता है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू बुद्धिस्ट इस तरह से, लेकिन कास्ट के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन आपको मालूम है कि और उसमें फिर कास्टीय स्वाभिमान भी बताया जा रहा है। तो बाबा साहेब तो कह रहे थे कि यही नेशनलिज्म है, कास्ट नेशनलिज्म, प्राइड अबाउट योर कास्ट, ठीक है ना। लेकिन दलितों में ऐसा नहीं है, दलित मैं देखता हूँ जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है उन्होंने वो कभी कास्ट के बेसिस के ऊपर है, सब कास्ट के बेसिस के ऊपर किसी ऑर्गेनाइज का नाम नहीं देते, वो प्रिंसिपल के ऊपर देते हैं। समता संघ सैनिक दल है, या लोकशाही समाजवादी समता है, ये दलितों में है, कास्ट बेसिस पे नहीं, लेकिन औरों में आ रहा है तेजी से। तो उससे क्या हो रहा है, कास्ट कंसोलिडेट हो रही है बजाय के कम होने से। सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल के अराउंड होनी चाहिए, तो वो कास्ट के अराउंड हो रही है।
तो क्या तो इसे हाई कास्ट जो है उसने भी इसमें कास्ट के इश्यू को लेके मूवमेंट चलानी चाहिए। ब्राह्मीण समाज जो है उसने एंटी कास्ट मूवमेंट चलानी चाहिए ना, बिल्कुल लेकिन ब्राह्मीण के नाम के तो बैंक है, सरस्वत बैंक, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जाति के नाम पे है बैंक, आपको आप और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी जाति के नाम पे बन रही है। तो ये तो जॉब कॉन्शियसनेस कंसोलिडेट हो रही है ना। सर आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि ये जो पूरी स्थिति बन रही है क्या ये और मजबूत होती जा रही है या फिर ये कमजोर पड़ रही है? ये दोनों बातें हो रही है, शहर में भी और गांव में भी ये कमज़ोर होती जा रही है। ऐसा नहीं है, गांव मेरा गांव का एग्जांपल लीजिए, मैं बाकी तो मैंने बताया आपको कि क्या कहाँ कहाँ चेंज आ गए। मेरे गांव में जो है कुएं में पानी भरने के लिए एंट्री नहीं थी तो एंट्री मिल गई, मंदिर में एंट्री नहीं थी तो एंट्री है, दलितों की बारात आती है तो मंदिर में बैठते हैं, बैठना उठना काफ़ी आसान हो गया है, आना जाना आसान हो गया है, लेकिन अभी भी घर में बैठ के खाना खाना ये करना शादी का ये तो मुश्किल है। ये मुश्किल है। तो बदलाव तो शहरों में बदलाव आ गया है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव तो आ गया है, लेकिन साथ साथ शहरों में बदलाव के साथ कास्ट कॉन्शियसनेस कंसोलिडेट भी हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस जो जो नाम है कास्ट के उसके अराउंड ऑर्गेनाइजेशन बन रही है सभी कास्ट में, हाई कास्ट, लो कास्ट, मिडियम कास्ट। लेकिन एक मैं दूसरी बात इससे जुड़ कर जानना चाह रहा हूँ कि आप अनटचेबिलिटी को बार बार आप कास्ट सिस्टम से जोड़ कर देखते हैं, क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर अनटचेबिलिटी अलग है और कास्ट सिस्टम अलग है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। यदि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है भी आधार मानते हैं हम रिजर्वेशन का, तो सबको रिजर्वेशन मिल जाता, अब मिल ही रहा है सबको एक तरीके से। जी कास्ट और अनटचेबिलिटी में फ़र्क ये है कि कास्ट जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है अक्रॉस द कास्ट, बिटवीन द कास्ट, तो उसमें इसेंशियली ये है कि डिनाइल ऑफ इक्वल राइट है। अच्छा, आपको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, शिक्षा का नहीं, संपत्ति का नहीं, बिजनेस का नहीं, सामाजिक अधिकार नहीं आपको, जो सिविल राइट है, थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में कई है कई नहीं। तो कास्ट इज ए डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू यू, अनटचेबिलिटी उसके एक वो भी डिनाइल ही है लेकिन हटकर एक एडिशनल पॉइंट है कि आप इम्प्योर हो, आप पोल्यूटिंग, तो आपके साथ स्पर्श नहीं होगा, उसमें अपवित्रता जुड़ी हुई, अपवित्रता जुड़ी हुई है और आपके साथ इसलिए स्पर्श नहीं होगा। अनटचेबिलिटी, नॉट टू बी टच, नॉट टू बी सीन, नॉट टू बी अप्रोच, ये कास्ट में नहीं है। तो ये कास्ट में मैं आपको राइट डिनाई कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कि आप पोल्यूटिंग है। यदि क्षत्रिय वैश्य को कहता है उसको वो राइट नहीं है मिलिट्री पे जाने के, तो वो राइट ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ी कहता है कि आप इम्प्योर, ये सिर्फ अनटचेबल के बारे में। इसलिए वो अपवित्र होने की वजह से, ये पोल्यूटिंग होने की वजह से उनकी बस्तियाँ गांव के बाहर है, ठीक है ना। कुनबी या मराठा जो क्षत्रिय से नीचे या ब्राह्मण से नीचे, गाँव में उनकी बस्तियाँ एकदम गाँव के बाहर थोड़ी है, अलग होगी, बाहर बाहर थोड़ी है, लेकिन अनटचेबल की है क्योंकि दे आर कंसिडर टू बी पोल्यूटिंग, नॉट टू बी टच, सोशल रिलेशन नहीं, फिजिकल रिलेशन नहीं, इसलिए बस्ती या गांव के बाहर हो। तो बाबा साहब ने ये कहा है कि उसमें आइसोलेशन और एक्सक्लूजन है, और दूसरा ये है कि एंटी सोशल एटीट्यूड है, द्वेष है, नॉन सोशल नहीं है, एंटी सोशल, एंटी सोशल एटीट्यूड है। तो अनटचेबिलिटी की जो डिसेबिलिटीज है ना अनटचेबल की, वो बहुत ज़्यादा गहरी है और बहुत गंभीर है, स्लेव की तरह है एक तरीके से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, और इसमें दोनों स्टेट का और सिविल सोसाइटी का दोनों का रोल होना चाहिए, लेकिन ये एजेंडा पे नहीं है, हाई कास्ट दोनों के, हायर कास्ट के एजेंडा पे नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन मैं देख नहीं रहा हूँ हाई कास्ट की जिनको ये एहसास हो रहा है कि एहसास होना चाहिए कि हमने किया और इससे परेशानियाँ शेड्यूल कास्ट को ही है, तो हमने कुछ करना चाहिए। अभी ये दूसरी एक बात आपको बता दूं मैं कि अमेरिका में वाइट लोगों ने जो रेसिज्म इम्पोज किया और उसके साथ क्रिश्चियनिटी भी गई साथ साथ पीछे पीछे, तो उसने भी कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया, तो क्रिश्चियन पोप ने माफ़ी मांगी स्लेवरी के बारे में। हमारे यहाँ मैंने देखा नहीं कोई शंकराचार्य सामने आके ये कहा कि अनटचेबल को इतनी बुरी स्थिति में हमें रखा है और अभी भी कुछ हद तक रखते हैं, और ये हिंदू सोशल सिस्टम जो कास्ट सिस्टम है उसके वजह से उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। वो रियलाइजेशन होना चाहिए ना, पहली बात तो ये है कि आपको रियलाइजेशन होना चाहिए
कि ये हमने गलत किया है, वो एक्सेप्टेंस ही, फिर आप एक्सपेक्ट करो, ये एक्सप्रेस करो कि ये हमसे गलती हुई गई है, फिर आप ये कहो कि हम कुछ करेंगे, तो वो तो नहीं दिख रहा ना। एक कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत करती कि हम कास के खिलाफ है और कास के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा, कोई जो मूवमेंट नहीं है, कोई 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 एक्टिविटी नहीं, उसका कोई प्रतिबिंब, कोई एक्टिविटी नहीं है, बोलने से थोड़ी बात बनती है, वो तो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धा प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं तो प्रैक्टिस भी करके बताते हैं। अनटचेबिलिटी इज ए प्रैक्टिस, इट इज नॉट ओनली ए विच थिंकिंग, मूल्य नहीं है तो प्रैक्टिस है ना, तो प्रैक्टिस के खिलाफ कुछ करो ना भैया। सर ये वक्त अभी पूरा होता जा रहा है, अगर इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर हम समराइज करना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए अगर हम आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, मैं इतना कहूँगा, वो ये है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि कास्ट जो है जी, कास्ट के जितने भी फीचर है, इनइक्वेलिटी एक फीचर है, लेकिन जितने भी फीचर है कास्ट के, कम्युनल कैरेक्टर और ये जो सारा है, ये जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टेकल है। कास्ट सिर्फ इक्वल राइट डिनाय नहीं करता है, सिटीजनशिप राइट डिनाय नहीं करता जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, कास्ट डेमोक्रेसी को भी हार्म करती है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल पे होने चाहिए, लेकिन उसको आधार कास्ट का बन जाता है, जिस कास्ट की मेजोरिटी ज़्यादा है वो पॉलिटिक्स में आती है, इसका मतलब आप वोट जो है वो जाति को दे रहे हो, आप उसकी विचारधारा और प्रोग्राम को नहीं दे रहे हो। तो कास्ट अफेक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कास्ट अफेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट अफेक्ट एजुकेशन, एवरी स्पीयर ऑफ आवर लाइफ अफेक्ट कास्ट निगेटिवली। तो कास्ट को एजेंडा पे लाना चाहिए, सरकार ने भी, मतलब एंटी कास्ट मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट, सिविल सोसाइटी ने भी, और पर्टिकुलरली हाई कास्ट सिविल सोसाइटी ने कास्ट के इशू को लेना चाहिए। तो जो देश के विकास की बात हो रही है मल्टीपल स्पीयर में, डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कीजिए, अब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट में है, वेजेस में है, बिजनेस में है दलितों का, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो लेकिन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अनटचेबल के ऊपर उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट करता है कास्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, कल्चर, तो इसको हमने गंभीरता से लेना चाहिए, जो हमने भैया फॉरगॉटन। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कोई सही का एंटी कास्ट मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रही, जो दलित करते हैं वो करते हैं अपने लेवल पे, लेकिन एज ए नेशनल इशू हमने नहीं लिया है, जो हार्म करेगा हमें वो करते रहता है, तो वो होना चाहिए कि कास्ट शुड बी ब्रॉट ऑन द एजेंडा ऑफ द स्टेट, ऑफ द सिविल सोसाइटी, पर्टिकुलरली ऑफ ए हाई कास्ट सिविल सोसाइटी, और करना चाहिए। बाबा साहेब ने चार्टन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में हमारे सामने उभर कर आना चाहिए, और ये हमारे स्टेट का भी और हमारे सिविल सोसाइटीज़ का भी, ये दोनों का कर्तव्य बनता है कि वो एंटी कास्ट मूवमेंट को खड़ा करे, जिसके आधार पर हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने लिए एक बेहतर जीवन, हर कोई चाहता है कि मेरे लिए अच्छा हो, हर कोई चाहता है कि मुझसे हर कोई अच्छा व्यवहार करे और मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो कर्तव्य ये भी बनता है कि जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं वो हम अपने आसपास भी क्रिएट करने का प्रयास करें। ये सिर्फ कानून का मसला नहीं है, ये हम सबका भी मसला है। स्टेट इसे अपनी ओर से कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिविल सोसाइटीज़ को भी ये काम करना होगा कि वो इसे अपनी प्रैक्टिस में ना आने देने के लिए प्रयासरत रहे। इस समय हम लोग कास्टिज्म एंड बुद्धिज्म, इसका एक तुलनात्मक स्टडी कर रहे थे, इसको हम एक समांतर स्टडी के रूप में भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे संस्कारों में, हमारी अर्थव्यवस्था में इसके कैसे प्रतिबिंब मिलते हैं, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे, और ये बातचीत चल रही थी UGC के पूर्व अध्यक्ष और देश के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर से। सर आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।